हर गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, तो ये भी नहीं है भाई, इसमें भी ना कुछ कुछ कमियां। भाई मस्त, आज क्या मस्त हुए ना, मस्त। आके देख रहे हो, 2 बज गए भाई, ऑलमोस्ट 2 बज गए। एक गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इंदौर से निकल रहे हैं और आज अपनी जो ड्राइव होने वाली है ना, काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है। बहुत ही अमेजिंग था यार, मतलब मैं ना इतना मस्त होया ना। अभी फ़िलहाल नीचे एक भाई वेट कर रहे हैं, उनसे मिलते फिर गाड़ी में लगेज रखेंगे, फिर यहाँ से सीधे गुड़गांव। भाई अमेजिंग होटल, अमेजिंग स्टे। तो अगर आप इंदौर आ रहे हो ना, तो वाव में रुक सकते हो, ठीक है। एंड ये भी ताज की प्रॉपर्टी है, वाव क्रेस्ट। तो बहुत अमेजिंग था यार, आई मेट अभी केक काटा मैंने एंड मुझे फ्लावर्स मिले। अच्छा, फ्लावर्स तो मैंने उधर अंदर रख दिए। चलो बस भैया को रिक्वेस्ट किया हल्का सा चीज़। भैया ऐसे नहीं करना, ऐसे तो मैं वाइपर से हल्का सा पानी लेके, वो दाग है ना एक्चुअली ये। भैया को मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया हल्का सा शीशा बस इसका क्लीन कर दो, कल रात में बोला था लेकिन शायद दिमाग से निकल गया हो। हल्का सा बस ऐसे। वैसे ना मेरे को शीशा ज़्यादा सही क्लीन करने आता है, ये तो मुझे, मैं प्राउड हूँ शीशा साफ करने में, मैं एक्सपर्ट हूँ। क्योंकि इतना पानी नहीं डालना, हल्का सा पानी डाल के बस उसको रब कर देना, क्योंकि ये कीड़े भरे हुए रहते हैं ना। आज का जो अपना डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 13-14 घंटे के करीब का दिखा रहा है, और 800 किलोमीटर सुबह के पहुंचेंगे 3:15। तो स्टार्ट करते इस अमेजिंग जर्नी को। तो बोलो श्री अम्बे मात की जय। यहाँ पे मेरे को ऑन द गो अगर कुछ मिल गया ना खाने पीने के लिए, तो वो उठा लूंगा, नहीं तो फिर तो ढाबे पे ही रुकूंगा। वैसे 2 बज रहे हैं अभी दोपहर के, और 13 घंटे 800 किलोमीटर। ओ भाई सुन के ही ऐसा लग रहा है ना, ओ आज लंबा है, इस पूरे रूट का आज सबसे लंबा डिस्टेंस कवर करना है अपने को। ब्लैक के कंपैरिजन में ना व्हाइट गाड़ी ना कम गंदी दिखती है यार, मतलब व्हाइट में ना धूल उतना ज़्यादा नहीं पता चलता, ब्लैक में तो बहुत तगड़ा पता चलता है। मतलब ब्लैक को डेफिनेटली हाई मेंटेनेंस की जरूरत है। अभी देखो मैंने एक बार भी गाड़ी कहीं धुलवाई नहीं, बस शीशा वीशा साफ करवाया, दैट्स इट। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 332 किलोमीटर दिखा रहा है कोटा। अभी तो फिर फिलहाल उज्जैन वाले रास्ते से जा रहे हैं। दो रास्ते हैं बेसिकली अगर आपको जाना है तो, एक तो ग्वालियर होके आप जा सकते हो, एंड ग्वालियर होके आगरा होते हुए आप निकल सकते हो वाया दिल्ली, एंड एक है राजस्थान होते हुए, तो यहाँ से कोटा, और कोटा से सीधा दोसा पकड़ के एंड नेशनल एक्सप्रेसवे 4। तो ये वाला ना थोड़ा शॉर्टर है, वो 14-14.5 घंटे दिखा रहा था, ये 13 घंटे दिखा रहा था। तो मतलब ये 1.5 घंटे शॉर्टर है, प्लस इसमें एक्सप्रेसवे का कुछ सेक्शन आएगा जहाँ पे गाड़ी आप ना स्पीड मेंटेन कर सकते हो और फिर जल्दी जल्दी निकल सकते हो। मिला जुला के ये रास्ता भी हमने किया हुआ है। बीच में एक जगह, इफ आई रिमेंबर करेक्ट, बीच में एक जगह ना सिंगल रोड भी आता है, मतलब सामने सामने से भी ट्रैफिक आता है, बट वो शायद अपन को शाम के टाइम पे मिलेगा। कोटा के पहले, कोटा के बाद है वो, मतलब नहीं यहाँ से जाते हो कोटा के पहले है। जय महाकाल, जय शिव शंकर। पहुंच गए जी अपन उज्जैन की पावन नगरी में, और यहाँ पे आज तो मंदिर के दर्शन के लिए नहीं रुक रहे अभी यहाँ पे, बट सीरियसली यार गजब वाइब है यार। यहाँ पे आओ ना तो आपके ना ऐसे जय महाकाल बोलो बस भाई, आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं, मतलब सीरियसली अंदर से ना आपको बहुत अच्छी वाइब आती है। अरे यार फोन, इतने फोन। लास्ट टाइम अपन पुणे जा रहे थे ना, तो यहाँ से ना रात में क्रॉस किया था, तब इतना ट्रैफिक नहीं था। ये पूरा उज्जैन ना सिटी के अंदर से क्रॉस करना पड़ता है, और आज तो संडे भी है ना, तो बहुत लोग दर्शन के लिए भी आते हैं, तो इस वजह से ना थोड़ा सा ज्यादा ही ट्रैफिक आज दिख रहा है। हेलो श्री अम्बे मात की जय, जय माता रानी, जय माता रानी। मैं इतना रोड पे ट्रैवल किया हूं ना हाईवेज पे, कि मुझे इंडिया के ना मोस्ट ऑफ द हाईवेज का ना ये याद है, यहां से ये आएगा। देखो मैंने बताया था ना कि एक ना सिंगल लेन तो क्या मतलब कि अनबैरिकेटेड, मतलब अनडिवाइडेड रोड आएगा जहाँ पे सामने से भी गाड़ी आ रही होंगी, ये आ गया वो रोड। और ये मैं 1 साल पहले ट्रैवल किया था इस पर, बट मुझे पता था कि भाई ये रोड आएगा, तो मैं उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर्ड था कि हाँ चलो ये आएगा। फिलहाल टाइम ऑलमोस्ट 4 बज रहा है और हमने ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया है।
पूरा लैंडस्केप है ना बहुत ही अलग है यार, बहुत ही अलग, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे प्लेटू के ऊपर ना एक मस्त सा हाईवे बना दिया और हाईवे से अपन निकल रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी क्यों रुकी? अच्छा कुछ खा वा रहे हैं। सही है भाई, ये थोड़ा सा ना एमपी में गाय वाय वाली प्रॉब्लम है तो वो तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज रोड में तो बिल्कुल कोई इशू नहीं। अच्छा नई वाली क्रेटा थी ना साला, वेन्यू जैसी, मेरी वेन्यू जैसी लग रही थी। अब देखो सामने से अभी गाड़ी आ रही, तो गौ माता इधर है तो कहाँ जाएगा आदमी, कहीं नहीं, वेट करेगा हाँ गाड़ी के निकलने का और गौ माता के साइड देने का। मस्त सा लैंडस्केप है ना, देखो दोनों साइड ना एकदम खुला जमीन है, मतलब खुला जमीन के मतलब कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, एकदम खाली खाली सा और बीच में मस्त सा रोड भाई, मस्त सा रोड। लेकिन एक चीज है भाई, सामने से गाड़ी आ रही है ना तो थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ रहा है, मतलब स्पीड बढ़ा भी सकते हैं लेकिन यही है कि ओवरटेक वगैरह ना करने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी बहुत ही अमेजिंग यार, बहुत ही अमेजिंग रास्ता है उज्जैन से कोटा वाला। हाँ अभी तक कोटा पहुँचे नहीं है, कोटा अप्रॉक्सीमेटली 170 के आसपास बाकी होना चाहिए और कोटा में ही राजस्थान एंटर करके ही इसमें डीजल टॉपअप लेंगे। कसम एक फीचर इतना मस्त है ना इस गाड़ी का और वो है ये भाई फ्रिज। कसम से यार, कसम से जो ठंडा पीने में पानी या फिर भी रेडबुल या कुछ भी, इतना मजा आता है ना, इतना मजा आता है ना, एकदम चिल्ड होता है यार, एकदम चिल्ड। और इतना डीप है ना कि मतलब पूरी गाड़ी में अगर सारे लोग है ना, और इतना फास्ट चिल करता है, मतलब आप 10 मिनट के अंदर पूरा बॉटल परफेक्टली चिल्ड हो जाता है। भाई मैंने तो एक ना पेप्सी ब्लैक लेके निकला था, वो निकाल लिया। और अभी भी सिंगल रोड चल रहा है, गौ माता थोड़ा सा दूर, हाँ अभी भी सिंगल रोड चल रहा है भाई, तो अब देखते हैं। बाकी भूख हल्की फुल्की लगी है, वहाँ से ना निकलते वक्त इंदौर से मैंने समोसा ले लिया था, अब जाके आए हैं भैया। अनडिवाइडेड रोड खत्म हुए और ये मस्त 6 लेन हाईवे कह लो, हाँ 6 लेन, तीन इस साइड 6 लेन हाईवे स्टार्ट हो गया है। ओहो और इधर से सूरज भी ढलने की कोशिश कर रहे हैं, सूरज देवता। 5:40 और हमने कवर कर लिया है 264 किलोमीटर, एक सिंगल ब्रेक नहीं लिया है, एक सिंगल ब्रेक नहीं। तो आज तो देखते हैं भैया विदाउट ब्रेक कहां तक 800 किलोमीटर कवर कर सकते हैं क्या बिना पी, मैंने एक पी ब्रेक भी नहीं लिया है। बट अभी जो मैं पेप्सी पी रहा हूं ना, पेप्सी ब्लैक, मुझे लगता है कि ठंडा ठंडा पेट में जाके ना कुछ गड़बड़ करेगा। पे मैं रुका था थोड़ी देर, ओहो क्या मस्त शॉट्स आए ना, एक्चुअली सनसेट हो रहा था और अभी देखो सनसेट के बाद ना कितना ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ से जयपुर दिखा रहा है 289 किलोमीटर्स और कोटा ऑलमोस्ट पहुँच गए भाई, बहुत तगड़ी लग रही थी ना गाड़ी। मैं सामने से एक रेलवे लाइन भी, उधर से भी ट्रेन जा रही है, गाड़ी देखो यार, मतलब मैंने हल्की सी ना टेढ़ी लगाई और भाई साहब जो रोड प्रेजेंस है ना, जो रोड प्रेजेंस है, जो इस ट्रिप पे मेरे को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला भाई, बहुत तगड़ा मन कर रहा है ना कि इस गाड़ी को लेके ना पहाड़ों पे चले ना, मज़ा आएगा भाई, बहुत तगड़ा मज़ा आएगा। ओ भाई ये 8 घंटे दिखा रहे हैं क्या, चलो यहाँ पे एक भाई मिले थे ऐसे, सारी फैमिली कहीं अभी ट्रैवल कर रही थी तो उनके साथ थोड़ी फोटोग्राफ ली, थोड़ी बातें की एंड फिर अब यहाँ से चलते हैं। हाँ भाई 8 घंटे दिखा रहा है भाई, मुझे लगता है ना कि लास्ट टाइम जब मैं कोटा आया था ना तो एक जंगल और गांव गाँव के बीच से आया था, वैसे वाला ही रास्ता वापस आने वाला है क्योंकि ये मेरे को नेशनल हाईवे नहीं दिखा रहा है आगे जाके। तो मिला जुला के ठीक है, अभी तो 7:30 हो रहा है, लास्ट टाइम एक बाइक वाला मेरे पीछे लग गया था, फिर मैंने ना बजूका ऑन किया फिर वो बाइक वाला था। हाँ तुम जाओ ना भैया, कर लो ना मेरे को ओवरटेक, बात कर रहा हूँ। अच्छा इको वाला, ये तो भाई क्रिमिनल आदमी है इको वाला, ओमनी वाला, इन सब से कभी पंगा नहीं लेने का भाई, जब से ओमनी गई है ना किडनैपिंग सारी इको में ही हो रही है भाई। अपन रुके फिलहाल एक ढाबे पे जस्ट आउटसाइड कोटा, अब यहाँ पे ना देखते हैं कुछ हल्का फुल्का खाने को हो ना तो यहाँ पे खा लेंगे भाई। रात में लास्ट टाइम भी मैं ना एक ढाबे पे रुका था एंड वो ना एकदम सुनसान टाइप का था,
तो यहाँ पे मुझे काफ़ी गाड़ियाँ दिखी, HR 26 भी एक गाड़ी दिख रही है। मैंने कहा यहाँ पे रुक जाते हैं यार, मस्त। थोड़ा तेल ज़्यादा था खाने में, बट रोटी बहुत अच्छी थी, बहुत करारी थी, प्योर आटे की थी। अब यहाँ से चलते हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है एक बार देखें, कितना डिस्टेंस बाकी है। ओए होए, ये गार्ड भैया ना ये बहुत विले हैं भाई, ये तब भी ऐसे ही खड़े थे और अभी भी ऐसे ही खड़े हैं। रात की ड्राइविंग का ना अलग मजा है यार। दिन में कितना सारा लोकल ट्रैफिक था, रात में विजिबिलिटी डेफिनेटली थोड़ी कम हो जाती है, बट भाई एकदम खतरनाक। अगर रोड सही रहे ना और जानवर वगैरह और कोई ऐसे साइकिल वाइकिल वाला बंदा नहीं रहे भाई, एक नंबर रोड, भाई एक नंबर रोड। और चलाने में मज़ा भी आता है। बाकी ये कोई ऐसा फ्लाई नहीं तो टनल आया है ना, ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र में पुणे से एग्जिट कर रहे हैं ना, कात्रेज कात्रेज टनल है ना वहाँ पे। भाई कमेंट करके बताना पुणे वालों। स्टील का कांटा आ गया जी नीचे, और यहाँ पे दिख गया जी अपने को एक पेट्रोल पंप। तो यहाँ से कांटा ऊपर करवा लेते हैं भाई। ये ना टोयोटा वाले ना यार, देख हर गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, तो ये भी नहीं है भाई। इसमें भी ना कुछ कुछ कमियाँ, मतलब प्रैक्टिकल कमियाँ जो मुझे लगती है। ऐसे तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रैक्टिकल कमियाँ तो हैं भाई। पहले एक बार तेल डलवा लूँ फिर आपको बताता हूँ। कमी तो ये है ना कि 70 मतलब एक टैंक के बाद ना बड़ा जल्दी, क्योंकि एवरेज कम है इस गाड़ी का मेरे चलाने पर, तो टैंक ना अपने को ना जल्दी जल्दी रीफिल करना पड़ता है। टैंक बड़ा है बट वही है 70 लीटर पे आके रुक जाता है। इसका जो 110 लीटर का टैंक है ना, वो फुल कैपेसिटी तक ना मीटर नहीं दिया उसका। अब वो मीटर नहीं देने की वजह से ना आदमी को एंग्जाइटी होती है भाई, टैंक का कांटा नीचे हो गया तो डलवा लेते। अभी क्या है ना, 110 लीटर पूरा रहता ना तो मतलब वो कांटा दिखाता है 110 लीटर का पूरा, तो फिर इतना लोड नहीं, फिर यहाँ से सीधे गुड़गांव, इस जितना फ्यूल है ना उतने में गुड़गांव पहुँच सकते हैं। बट वही है ना कि फ्यूल कम दिखाता रहेगा तो फिर टेंशन होती रहेगी। चलो डलवा लेते, देखना 70 लीटर ही आएगा, 70-72 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आना। मैं बोला था ना कि 70-72 आएगा, देखो इतना ही है। चलो मैंने राउंड फिगर कर देते ना भैया, राउंड फिगर कर दो ना, 66 कर दो। हाँ 66 कर दो बहुत, अभी इसमें कम से कम 4-5 लीटर और आ जाएगा ऑटो कट के बाद। ओ भाई यहाँ पे रुके हैं चाय के लिए, चाय पीने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा यहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट दिख रहा था, फिर पीछे दिख रहा है यही वाला, तो मैंने कहा भाई अच्छा इसका एक चीज़ दिखाऊँ। देखो अभी मैं ना DMs पढ़ रहा था कि विकास भाई आप अकेले इतनी दूर कैसे ट्रैवल, भाई अकेले ट्रैवल कर सकते हो बट ऑल यू नीड इज़ के ड्राइविंग में आपको मज़ा आना चाहिए। अब देखो आपको ड्राइविंग में अगर मज़ा नहीं आएगा ना, चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी हो यार, आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। और अगर आपको ड्राइविंग में मज़ा आएगा ना, चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी रहे आपको मज़ा बहुत आएगा। वो अपना भी यही है, बाकी चाय का वेट कर रहे हैं। ऐसा कभी कभी लगता है ना ऑर्डर देने के बाद कि भाई गलत ऑर्डर कर दिया गया, एक चाय बनाने में बहुत टाइम लगा दिया इन्होंने, इतनी देर में तो 50 किलोमीटर ट्रैवल भी कर लिया होता। बाकी ठीक है, एक चाय पी लेंगे ना तो थोड़ी नींद नहीं आएगी, अदरवाइज़ वैसे भी यार लेट उठे थे, कोई जल्दी है नहीं। कल ऑफिस जाना है यार, बहुत सारा काम ऑफिस का है, वो सारा मेरे एब्सेंस में चल रहा था। बहुत सारी गाड़ी डिलीवर हुई, कुछ गाड़ियाँ डिलीवर होनी है होली से पहले, जितनी ज़्यादा हम कोशिश करेंगे ना त्यौहार में ना किसी की गाड़ी हमारे ऑफिस पे नहीं खड़ी रही, यही कोशिश है। जब सुबह स्टार्ट किया था ना तो 3:30 शायद दिखा रहा था, 1:30 बजे अपन, 1:30 भी नहीं बजा है इनफैक्ट, 1:12 और अपन पहुँच गए जी गुड़गांव। सबसे पहले ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ, हाँ बहुत टाइम हो गया ना, ऑफिस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। मतलब कैमरे पे तो सब सारी चीज़ें देख रहा था बट ऐसे ना एक फिजिकल प्रेजेंस होना ना यार, मतलब कल से गाड़ियाँ, हाँ ये इतना भीड़ क्यों है भाई ठेके के बाहर। अच्छा आज तो वीकेंड भी है ना, भयंकर भीड़ है भाई, भयंकर भीड़। ऑफिस का एक राउंड तो मार लिया, गार्ड भैया से भी मिल लिया, चलो भाई गाड़ियाँ भी देख ली बाकी तो सारा बंद है यार, चाबी मेरे पास है नहीं, चाबी घर पे रहता है।